और वो जो आपको दिख रहा है वहाँ धुआं है, वो देखो जहाँ वो क्लाउड है ना, वो पाकिस्तान की पोस्ट है, और ये जो इस साइड पे है ये इंडिया की पोस्ट है। ये अगर आपको दिखेगा ना तो पूरी फेंसिंग कर रखी है, पूरी ऊपर 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 पहाड़ों तक फेंसिंग होगी, और डेफिनेटली ऊपर भी फेंसिंग होगी जो दिख नहीं रहा है बिल्कुल। सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू, दिस इज अंकित एंड वेलकम बैक टू द चैनल वंस अगेन। सो गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम शेखपुरा। और शेखपुरा कहाँ पड़ता है? शेखपुरा पड़ता है तुलेल में। तुलेल कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। और मैंने ऐसे इसलिए मैं वीडियोस की आजकल स्टार्टिंग कर रहा हूँ क्योंकि ये जो नाम है ये बहुत कम लोगों ने सुने हैं, तो पता नहीं लगेगा ये कौन सी राइड है। मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी अदर साइड ऑफ कश्मीर की राइड चल रही है। तो आई वुड रिक्वेस्ट कि अगर आप ये डायरेक्ट वीडियो पे आ गए हो ना, तो इससे पहले वाले व्लॉग ज़रूर देखना, तभी आपको पता लगेगा कि ये सीरीज़ है क्या। सबसे पहले मैं बता दूँ, कल रात को हमने ये वाला जो होम स्टे दिख रहा है, होम स्टे तो नहीं, गेस्ट हाउस है, ये गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, तो हमने यहाँ पर अपना शरण ले ली थी। कल रात को हम यहाँ लगभग पहुँचे थे 8:30 बजे, जबकि 8 बजे बिल्कुल रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मूवमेंट अलाउड नहीं होती। फिर वही बोलूँगा, जाके देख लेना पिछले वीडियोस, तभी आपको पता लगेगा। मेरे पीछे वैली, पूरी ओपन वैली और बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत जगह है वाली। तो ये जो है गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस है, ये हमारे बाबा, बाबा हेलो कर दो। तो यही है जो मेरे साथ राइड कर रहे हैं, और ये है अपने भाई श्रीनगर कश्मीर से, है ना भाई? गुड मॉर्निंग। सो ये था अपना रूम, और मैं आपको बता दूँ बाइकर्स रूम कुछ ऐसा ही होता है, और थोड़ा सा मैसी हो गया, बट काइंडली बस आपको दिखाना चाहता था रूम कैसा है हमारा। तो ये ओपन एक पूरा रूम है, उधर पूरा वॉशरूम है, एक ये वाला भी बेड लगा हुआ है। सो इस रूम के जो हमने चार्जेस पे किए हैं वो किए हैं 1000 रुपीज़ खाली यहाँ के, और खाने के लगभग हमें 250 रुपये और लगे हैं। तो बाइक पे पूरा सामान लोड हो चुका है और निकलने के लिए तैयार है। ये है गवर्नमेंट गेस्ट हाउस, ये भी एक गेस्ट हाउस है, ये शायद गवर्नमेंट है, कन्फर्म नहीं है, पर यहाँ के चार्जेस 1000 रुपीज़ है, उधर के चार्जेस जो है वो है 2000 रुपीज़ पर रूम। भैया किसी को यहाँ पर आना है तो कोई नंबर है क्या, फ़ोन करके आए बुकिंग के लिए? नंबर बताओ, बोलो। 600-6799-266। तो ये आप ही का नंबर है, तो जो भी आएगा कॉल करके पूछ सकता है ना। और वो जो है वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है? वो वाला वो भी गवर्नमेंट है, वो 2000 रुपये पर रूम है, 1000 रुपीज़ है। खाना दोनों जगह अवेलेबल होता है? खाना मिलेगा, खाने का उस समय हम कैसे होगा वो, मतलब क्या खाएंगे उस समय हम, सब मिलेगा ना? ठीक है, तो मिल गई आपको इन्फॉर्मेशन, नंबर भी आपको दिलवा दिया है। तो चलो एक काम करते हैं, नदी के पास चलते हैं बिल्कुल, वहाँ मुझे आपसे कुछ बात भी करनी है, और उसके बाद यहाँ से निकलने वाले हैं आज। इंडिया और पाकिस्तान का मैं आज आपको बॉर्डर दिखाने वाला हूँ, चलो। सो गाइस, अभी मैं हूँ शेखपुरा में, एंड दिस इज सच एन अमेजिंग प्लेस। और आपको जैसे पता ही है कि दिस राइड इज़ पावर्ड बाय XBSP एंड JK टायर्स। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, परसों हम थे गुरेज वैली में, उसके बाद हम आए तुलेल में, उसके बाद हम गए चकवाली में। चकवाली बेसिकली लास्ट पॉइंट है जहाँ पर किसी भी सिविलियन को अलाउड किया जाता है, उसके आगे कोई भी सिविलियन अलाउड नहीं होता। बट वी वर लकी एनफ कि वहाँ पर हमें आगे जाने की परमिशन दे दी गई, एंड हमें बताया गया, मेजर साहब ने इनफैक्ट हमें बताया कि वी आर द फर्स्ट एवर बाइकर्स जिन्हें काबुल गली जाने का मौका मिला है, उससे पहले किसी को भी वो परमिशन नहीं दी गई है। अब बात कर लेते हैं इन टायर्स को लेकर। ये जो टायर्स हैं ये है JK ब्लेस टायर्स, और इन टायर्स को जब मैं फर्स्ट डे चला था अपने घर से पटनी टॉप तक, तो मैंने 800 किलोमीटर का सफ़र तय किया था। उसके बाद मैंने इसको बारिश में बाइक चलाया, स्लश में मैंने बाइक चलाया, ऑफ रोड में चलाया, मिट्टी में चलाया, ऐसा कोई टेरेन नहीं था जहां मैं इन टायर्स को मैंने अच्छी तरह से चलाया ना हो। और सच बता रहा हूँ, मुझे कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई बाइक्स का हैंडलिंग करने में। और यूजुअली कहते हैं ना कि एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, तो वही बात है, अभी मैं जितने भी वर्ड्स में ये बात एक्सप्लेन करूँ छोटी ही लगेगी, एक्शन आपने देख ही लिया है, मैंने सारे वीडियोस अपलोड कर ही दिए हैं। एनीवेज, इसके अंदर मैं एक और चीज़ आपको बताऊं, इसके अंदर लगी हुई है ट्रिल टेक्नोलॉजी। अब ये ट्रिल टेक्नोलॉजी क्या है? एक एप्लीकेशन है जिसको मैं डाउनलोड कर रखा अपने फ़ोन पे, और एक छोटा सा डिवाइस आता है जो अपने टायर्स के रिम में लगा हुआ है, और वो मुझे बता रहा है कि मेरे जो फ्रंट के टायर की हवा है वो है 24 PSI, और रियर टायर की बताऊँ तो 26 PSI इसके अंदर हवा है। और जब भी मैं मॉर्निंग में राइड स्टार्ट करता हूँ ना, तो सबसे पहले यही चीज़ चेक करता हूँ कि मेरे बाइक के टायर की हवा कितनी है, क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी या कोई भी टायर पंचर भी होगा ना, तो मुझे पता लग जाएगा PSI हवा कम है। तो साथ में एक और आपका एक मेन क्वेश्चन है कि क्या अंकित भाई ये टायर्स KTM 390 एडवेंचर के लिए हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं है, आप ये टायर्स किसी भी बाइक पर लगवा सकते हो, चाहे आपके पास पल्सर है, अपाचे है, बजाज की कोई बाइक है, कोई भी बाइक, अपने टायर साइज उस हिसाब से ले लो, और आप
इन टायर के साथ मुझे लगता है 100% सेटिस्फाइड रहोगे। अगर ऐसी टेरेंस पे मैं बाइक चला सकता हूँ तो नॉर्मल टेरेंस पे आप 100% ये बाइक चला सकते हो कोई इशू के बिना। अब एक काम कर लेते हैं, यहाँ से अपन लोग निकलते हैं और अब मैं आपको लेके जाऊँगा इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर, जहाँ से इनफैक्ट पाकिस्तान का बिल्कुल पहाड़ दिखता है, जिसे हम कहते हैं ना पीओके का पहाड़ दिखता है, तो आप वो भी बोल सकते हो। तो अभी हम वहाँ पर जाने वाले हैं, तो अब अपनी राइड स्टार्ट करते हैं और अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं वापस श्रीनगर के लिए। मैंने जितना भी गुरेज तुलेल ट्रैवल कर लिया है, इसको मैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेज बोलूँगा। आगे भी बहुत खूबसूरत है, नदी के उस साइड पे 20-25 घर बने हुए हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम देखते हैं ना स्विट्जरलैंड में, या फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर। मेरा एक्चुअली आई कार्ड पड़ा है, तो एक मिनट ऑफ करता हूँ कैमरा, इनसे आई कार्ड ले लेता हूँ, फिर बात करूँगा आपसे। काफ़ी विलेज आते हैं, ऐसा नहीं है कि एक विलेज आया और ख़त्म हो गया। एक विलेज आएगा, फिर 10-15 मिनट के बाद एक और विलेज आ जाएगा, फिर 10 मिनट के बाद एक और विलेज आ जाएगा। ये यहाँ पर ऐसा सीन है, छोटे छोटे से गांव बने हुए हैं, 20-50 मकान बने हुए हैं, और वो भी सारे लकड़ी के बने हुए हैं, सारे के सारे लकड़ी के बने हुए हैं, क्योंकि विंटर्स में यही इनको बचाता है। 10-10 फीट कहते हैं बर्फ़ पड़ जाती है, और ये पूरा रोड है ये पूरा बंद हो जाता है विंटर्स में, तो विंटर्स का तो आप प्लान कर ही नहीं सकते यहाँ पर। मैं आ चुका हूँ इस समय NS 200 के ऊपर, और बाबा की बाइक मैं चला रहा हूँ, उनको थोड़ी देर चलाने का मन था तो मैंने कहा आप चलाओ, अपन चलाएंगे NS 200। और सही यार, बहुत स्मूथ चल रही है बाइक, मज़ा आ रहा है बाइक चलाने में। थोड़ा सा डिफरेंस तो मुझे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फील नहीं हो रहा बाइक चेंज हो गई है, तो यूजुअली मैं कभी भी लॉन्ग टूरिंग के वक्त बाइक एक्सचेंज नहीं करता, क्योंकि एकदम से ना स्विच करना बाइक को ना लॉन्ग टूरिंग में इतना रिकमेंडेड नहीं होता, मेरे को पर्सनली पसंद नहीं है बिल्कुल भी। बट क्योंकि ये बाइक आपको पता ही RS 200, तो मैं हैबिचुअल हूँ ये बाइक चलाने के लिए, इसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बाइक को अपनी बाइक से स्विच करने में। टावर का मार्केट, एक और मैं चीज़ आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ पर आते हो और अगर आपको कैंपिंग करनी है, तो यहाँ पर ये शॉप है, यहाँ पर आपको कैंपिंग का सामान मिल जाएगा, टेंट स्लीपिंग बैग 500 रुपये में, एक स्लीपिंग दो स्लीपिंग बैग और एक टेंट, और यहाँ पर आएगा पेट्रोल पंप, यहाँ पर देखते हैं अपनी बाइक का करवाते हैं फुल पेट्रोल, और 113 रुपये लीटर भाई साहब, सबसे महंगा होगा यहाँ पर, इससे महंगा कहीं नहीं होगा मेरे को लग रहा है। एक क्या कंजल डावर कहाँ है, डावर निकल गया, ये कंजल है ना, ठीक है बाबू, ओ बाबा। सो ये कंजल है, और अब जो एक्चुअली चीज़ मुझे दिखानी है और यहाँ से आपको दिखानी है, जब हम वापस डावर के लिए आते हैं, डावर के लिए इधर से आते हैं ना, तो बीच में कट पड़ता है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम आए इस साइड से ही थे, इस साइड से, अब हम इधर से ना जाके ना हम इधर से जाएंगे और थोड़ी आगे घूम के वापस इधर से जाएंगे, दिखाता हूँ अभी आपको हम जा कहाँ रहे हैं। तो अभी अपन लोगों ने पीछे जो है आर्मी चेक पॉइंट पे एंट्री करवा दी है, और ये जो रूट जा रहा है ये बख्तोर है, बख्तोर मतलब आगे ये रूट बख्तोर तक जाता है, और लास्ट पॉइंट है इंडिया का नॉर्थ सेक्शन में, और वहाँ पर आर्मी का चेक पोस्ट है, और उसके आगे कहते हैं कि बिल्कुल पहाड़ दिखता है, वो सारा POK है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, सारा वो वाला जो माउंटेन एरिया है, तो वो पाकिस्तान के अंडर आता है वो सारा एरिया। तो देखते हैं हमें कहाँ तक जाने की परमिशन अभी मिलती है, मुझे तो पढ़ना नहीं आता, ये भाई साहब पढ़ेंगे। भाई साहब क्या लिखा है, क्या लिखा है, इजमर्ग ही तो जाना है, इजमर्ग से जाना उसी पे ही होगा, तो उर्दू में लिखा है, अगर हमारे साथ उर्दू वाला बंदा तो फायदा क्यों ना उठाया जाए। ये तो रोड नहीं है, ये रोड जा रही है,
और कहते हैं पहले के कुछ टाइम पहले यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बम पटाखे बजा करते थे उनकी साइड से, और बहुत ज़्यादा शेलिंग हुआ करती थी यहाँ पर भी। तो पहले के टाइम पे ये वाला एरिया इतना शांत नहीं था, मतलब शांत इन द सेंस पाकिस्तान की साइड से बहुत ज़्यादा शेलिंग होती थी, रिटेलिएट भी होता था, ऐसा नहीं है, बट अब तो देख के लगता नहीं है ऐसा कुछ फ़िलहाल में होता होगा। सीज फायर का हो चुका होगा यहाँ पर, क्योंकि सारे घर बने हुए हैं और बिल्कुल सही सलामत ही घर बने हुए हैं। देखते हैं हमें कहाँ तक जाने की परमिशन मिलती है, जहाँ आगे तक मिल जाए वेल एंड गुड हो जाएगा, कुछ डिफरेंट आपको भी मैं दिखा पाऊँगा और ख़ुद भी देख पाऊँगा। सुंदर सुंदर से घर बने हुए हैं, पर यहाँ पर ना उस टाइप के लकड़ी के घर नहीं बने हुए जैसे हमने आगे देखे थे सारे तुलेल में हैं, लेकिन कम है उस टाइप के। यहाँ पर थोड़ी कंस्ट्रक्शन जो है थोड़ी सी एडवांस हो रखी है, कलरफुल घर बने हुए हैं ये देखो ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही स्विट्ज़रलैंड वाला फील है ये वाले एरिया में, क्योंकि ग्रीनरी ज़्यादा दिख रही है और घर भी अलग अलग जगह पे दिख रहे हैं। वो देखो पेड़ ही पेड़। यहाँ पर तो ज़्यादा घर नहीं दिख रहे, यहाँ तो सारा जंगल एरिया टाइप से दिख रहा है। देखो वहाँ पर जाने के लिए छोटा सा ब्रिज बना रखा है ना, कितना खूबसूरत, मतलब हमारे लिए खूबसूरत है, इनके लिए तो थोड़ा डिफिकल्टी है ही। एनीवेज एक गुड न्यूज़ एक बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये जो आपको पहाड़ दिख रहा है, थोड़ी देर में इसकी सारी स्टोरी बता देता हूँ। बैड न्यूज़ ये है कि हमारा प्लान था त्रागबल जाने का, त्रागबल है बिल्कुल लास्ट पॉइंट इंडिया और पाकिस्तान का, बिल्कुल उसके आगे परमिशन नहीं है, मतलब बस ख़त्म ही हुआ था समझो, इंडिया का नॉर्थ एंड यही है। तो हमें वहाँ जाने की परमिशन नहीं मिल रही, वो कह रहे हैं कि इस साल किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी, पिछले साल पता नहीं थी या नहीं थी, बट इस साल से किसी को भी परमिशन नहीं है और आगे पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी। तो सीन कुछ ऐसा हो गया, लेकिन हम बख्तौर जा रहे हैं अभी। और अब मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, इसकी हिस्ट्री क्या बताता हूँ मैं आपको, चीज़ बताता हूँ। ये आपको पहाड़ दिख रहा है, वो मेरी अगर उंगली के सामने देखोगे ना, वो जहाँ धुआं उड़ रहा है, जो धुआं वो बादल है उसके ऊपर वो दिख रहा है पाकिस्तान की पोस्ट, वो है पाकिस्तान की पोस्ट, जहाँ वो पूरा धुंध क्लाउड है। और अगर इस साइड बात करूँ तो इस साइड पर मेरी उंगली में देखोगे, अगर पता नहीं एग्जैक्ट दिखा रहा तो वो है इंडिया की पोस्ट। दोनों आमने सामने बैठे हैं बिल्कुल आसपास, आधा पहाड़ इंडिया के अंडर है और आधा पहाड़ पीओके के अंडर चला जाता है। तो ये नीचे से रास्ता जाता है त्रागबल के लिए, लेकिन हमें वहाँ जाने की परमिशन ही नहीं है। तो ये मैंने पीछे अभी पूछा था आर्मी ऑफिसर से, तो उन्होंने ये बात कंफर्म करी है कि ये वाला जो है इंडियन आर्मी का पोस्ट है और वो राइट वाला जो है वो पाकिस्तान आर्मी का पोस्ट है। ये मेरा अभी तक का सबसे पास हो गया, ओ भाई, तो ये वाला जो अभी मेरा सबसे पास हो गया, इससे पास अभी मैं कभी भी पाकिस्तान का पहाड़ नहीं देखा। इससे पहले जब हम टूटुक गए थे लद्दाख के अंदर, तो वहाँ से मैंने देखा था। और अभी हम जा रहे हैं चढ़ाई करके ऊपर, और यहाँ पर है एक बिल्कुल खाली मैदान है, तो वहाँ पर जा रहे हैं अभी। कहते हैं बहुत सुंदर मैदान है ये वाला, पूरा ग्रीन से ग्रीन भरा हुआ है। प्रॉब्लम हो गई, जो सोचा था वो हुआ नहीं। आगे से घंटे की आवाज़ें आ गई कि नहीं इधर नहीं आना, तो अपन नहीं जाएंगे। अब मेरे पीछे देख रहे हो बिल्कुल खाली सा मैदान है, हम काफ़ी ऑफ रोड करके ऊपर चढ़े हैं, बट हमें यहाँ की ही परमिशन खाली मिली है। मेरा एक्चुअली प्लान था यहाँ से त्रागबल आता है, जो कि अराउंड और 3-4 किलोमीटर आगे जाके आता है, और जहाँ से इंडिया की लास्ट पोस्ट है और उसके बाद पाकिस्तान का भी लास्ट पोस्ट दिखता है। और अगर मैं आपको वहाँ पर दिखाऊँ ना, वो मेरी उंगली के सामने वो बिल्कुल क्लाउड्स हैं, जहाँ वो है पाकिस्तान का पोस्ट और इस वाली साइड पर ये है इंडिया का पोस्ट। तो इतनी पास आ गए, कोशिश यही थी कि और भी पास जाएं, देखें और पास से इंडिया पाकिस्तान का बिल्कुल बॉर्डर एरिया और लास्ट चेक पॉइंट, बट कोई बात नहीं, यहाँ तक भी आने का मौका मिल गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। बारिश होनी शुरू हो चुकी है पूरे, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ तो माउंटेन्स के ऊपर पूरे क्लाउड्स आने शुरू हो चुके हैं,
मौसम तो मेरे को लग नहीं रहा, इधर तो नहीं बिगड़ रहा, लेकिन हाँ उधर बहुत ज्यादा मौसम बिगड़ रहा है, तो उधर हो सकता है स्नोफॉल भी हो रही हो। ये अगर आपको दिखेगा ना तो पूरी फेंसिंग कर रखी है, पूरी ऊपर 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 पहाड़ों तक फेंसिंग होगी, और डेफिनेटली ऊपर भी फेंसिंग होगी जो दिख नहीं रहा है बिल्कुल। तो बकतौर भी देख लिया हमने, और क्या रह गया इस साइड का, तो हो गया सारा जो जो गुरेज की साइड पे सब कुछ होता है ना, वो मैंने सब कुछ कवर कर लिया जितना मैं इन दिनों में कवर कर सकता था। बाकी रहने को तो मैं फिर दो तीन दिन किसी भी गांव में तो नहीं रह सकते, क्योंकि आर्मी रहने नहीं देगी ऐसे किसी भी, जब तक कोई गेस्ट हाउस प्रॉपर ना हो, गवर्नमेंट का गेस्ट हाउस ना हो, तो अब तक तो रहने नहीं देगी। तो जितना मैं कर सकता था, जितना मैंने आपको दिखा सकता था, कोशिश कर दी है दिखाने की। गुरेज वैली का जो हमारा था वो हो चुका है अब फिनिश। अब हम यहाँ से जा रहे हैं राजदान पास, वहाँ खाएंगे हम बिरयानी, जब हमने आती भी खाई थी, और उसके बाद हम सीधा निकल जाएंगे श्रीनगर। तो सेम रूट सारा दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो अगर मुझे कुछ डिफरेंट लगा या कुछ दिखाने लायक लगा तो मैं दिखा दूंगा आपको, और अगर नहीं लगा, अगर लगा ये तो सेम ही रूट सब कुछ आ रहा है, कुछ ऐसा पर्टिकुलर दिखाने के लिए नहीं है, तो अपन लोग सीधा मिलेंगे श्रीनगर में। और श्रीनगर में अपने जुनैन भाई को, जिनको मैं बाबा बोलता हूँ, इनको करेंगे गुड बाय। मतलब अब इनकी और मेरी राइडिंग के दिन ख़त्म हो चुके हैं, अब ये राइड नहीं करेंगे। दो कदम आगे ये खूबसूरती, गजब, कितना अमेजिंग और कितना प्यारा व्यू है, कैसे कैसे दिख रही है। आई विश यहाँ पर मेरा ड्रोन होता। लाल हो गया, लाल इसलिए हो गया कि इस समय मैं भटक गया मतलब बाबा जो है वो आ गया है, पीछे है, मुझे नहीं पता। उनको फ़ोन कर लिया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ है, ऑब्वियसली उनकी बैटरी डेड हो गई होगी, क्योंकि कल भी चार्ज नहीं हुआ था उनका फ़ोन पूरा अच्छी तरह से। तो उनको फ़ोन कर लिया स्विच ऑफ, और अकेले चले जा रहा हूँ गलियों के अंदर अंदर से ही। बट कोई नहीं, श्रीनगर एरिया ये वाला सारा सेफ है। अभी तो मैं पूछते जा रहा हूँ श्रीनगर किधर से है, तो हर कोई कह रहा है सीधी रोड ही है, बट श्रीनगर में लॉल हो गया, लॉल। ये बड़ा गड़बड़ा यार, स्विच ऑफ हो जाए फ़ोन, ये तो चलो यहाँ पर हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कहीं अंदर सिचुएशन में होती स्विच ऑफ हो जाए तो बंदा करेगा क्या, वेट करूँ या रुकूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मेरे से आगे थे वो, और वो ऐसे इतनी तेज़ चला नहीं सकते बाइक, कितनी दूर है, कम से कम 15 किलोमीटर, नहीं यार 15 ज़्यादा हो गया, कम से कम मैं होना 7-8 किलोमीटर से अकेला चल रहा हूँ, और मुझे पता ही नहीं है भैया है कहाँ पर भाई साहब। वाओ कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब अभी तो कैमरे पे तो नहीं दिख रहा होगा जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे ये पेड़ है ना, पेड़ की पूरी परछाई दिख रही है पानी के अंदर, बट फिर भी अभी भी अकेला ही चले जा रहा हूँ और 3-4 किलोमीटर आगे हो चुका हूँ, या 5 किलोमीटर और आगे आ गया हो, तो 10-12 किलोमीटर से मैं अकेला ही चले जा रहा हूँ। बट मुझे रास्ता याद है, आए हम इसी रूट से ही थे, ये मुझे पक्का पता, मतलब याद है ये चीज़, तो मुझे ज़्यादा इतना इशू नहीं है कि मैप लगा के देखूँ किधर जाना है किधर नहीं जाना, बस ये कन्फर्म आया मैं इसी रूट से था। सो बज चुके हैं अभी 8, लगभग मैं 45 किलोमीटर सोलो आया हूँ बिल्कुल अंधेरे में। वेट करने का फ़ायदा तो लग नहीं रहा मेरे को, पता नहीं कब पहुँचेंगे, आधा घंटा मेरे से पीछे होंगे, क्योंकि डेफिनेटली मुझे ढूंढ रहे होंगे। रुकना था मेरे लिए, मेरे को पता था, क्या दिखाऊँ, चल ही नहीं रहा यार ये क्या चलो हेलो बोल दो ऐसे नहीं, ऐसे हेलो और बाबा आ गए हैं, बाबा एक्चुअली मेरे पीछे ही चल रहे थे, और मैंने कहा था मेरे पीछे ही होंगे डेफिनेटली, तो ज़्यादा नहीं रुक, हाँ 5-7 मिनट में ही आ ही गए बाबा। हाँ मैंने कहा रुकने का कोई तुक ही नहीं है, चलो पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है, टॉफ़ी होगी यार,
वेरी नाइस किड्स, उनको मैंने टॉफ़ी दी और उन्होंने मुझे जाते जाते मैंने कहा ओके भाई, कहते नमस्ते नमस्ते नमस्ते, दोनों हाथ जोड़ के, वो भी यहाँ पर, वो भी मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था नमस्ते बोलेंगे, वो भी दोनों हाथ जोड़ के, वाओ वेरी नाइस। सो हम लोगों की अभी श्रीनगर में एंट्री हो चुकी है और मुझे तो पता भी नहीं हम कहाँ कहाँ से अंदर से गलियों से घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, घुसे जा रहे हैं, और अब मैं बाबा को नहीं छोड़ सकता किसी हाल में भी। देखो अभी यहाँ मुड़ गए, मेरे को तो पता ही नहीं लग रहा कहाँ जा रहे हैं। अब मैं एक बार भी अगर इधर उधर हो गया ना तो मेरे को मैप लगाना पड़ेगा, वो यार बड़ा टाइम खपत हुआ है। इट्स बेटर कि साथ साथ चलो और देखते रहो, देखते क्या रहो, रास्ता तो समझ नहीं आ रहा। एनीवे अभी सीन कुछ ऐसा है कि मैं इस समय बाबा के घर पे नहीं जा रहा क्योंकि वहाँ का ब्लॉग एक बार शूट हो चुका है घर का पूरा, वो फिर थोड़ा सा ऑड हो जाएगा दोबारा वही चीज़ करना। अब अदर साइड ऑफ कश्मीर में मुझे कोशिश यही करनी है कि मैं अलग अलग चीज़ें आपको दिखा सकूं और कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें दिखा सकूं, तो इसीलिए मैं कुछ और प्लान किया। वो क्या प्लान किया दिखाएंगे आपको, फिक्र की क्या बात है, वो भी दिखाएंगे। सो गाइस मैं फाइनली एक होटल रूम में पहुंच चुका हूं। होटल रूम ये होटल थोड़ी है, नहीं है, मेरे फ्रेंड का घर भी नहीं है। एक्चुअली अगर आप श्रीनगर में आए और हाउस बोट में ना रहे तो क्या फ़ायदा बेरो, क्या फ़ायदा। तो यही मैंने प्लान किया था कि मैं एक दिन कम से कम श्रीनगर में हाउस बोट में ज़रूर रहूँगा क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, कभी मैं हाउस बोट में रहा नहीं और मेरा मन यही था कि मैं आपको भी एक बार हाउस बोट के पूरे नज़ारे दिखाऊँ कि हाउस बोट कैसे होती है। अभी फ़ायदा नहीं है दिखाने का क्योंकि बाहर बिल्कुल हो चुका है अंधेरा, और पूरा रूम अभी दिखाने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो आने वाला है नेक्स्ट व्लॉग में। अभी का व्लॉग मुझे लगता है यहाँ पर मुझे एंड कर देना चाहिए। जहाँ तक कि बाबा की बात है, बाबा श्रीनगर में ही रहते हैं तो यहाँ से हार्डली 10 मिनट में उनका घर है, तो वो घर चले गए हैं और वो सुबह वापस आ जाएंगे और अपन लोग श्रीनगर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे और कोशिश करूंगा फिर कुछ नया दिखाने की एज यूजुअल। एनीवेज आई होप आपको ये वीडियो मेरे अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे हैं तो लाइक कर देना यार, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, और अगर इंस्टाग्राम पे अभी तक फॉलो नहीं कर रहे तो वहां पर भी कर सकते हो। एनीवेज अब इसी के साथ मिलूंगा गाइस आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन राइड हार्ड राइड सेफ, दिस इज मी ड्रीम चेजर साइनिंग ऑफ, बाय बाय।